बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। पंजा सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। जलद जीव माई ब्रह्म थो बढ़ाए। जीव माई ब्रह्म थो बढ़ाए। सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। जिए माओ पुट जी रक्षा नित करे थी। जिए माओ पुट जी रक्षा नित करे थी। दिए बोध दे विषय खां बचाए। सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। कढ़ी कुबद कलना विकारन के कोरे। कढ़े कुबद कलना विकारन के कोरे। कढ़े कुबद कलना विकारन के कोरे। चिमन ज्ञान गुण जो अंदर में लगाए। सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। भरम में भुलल के सई राह लाए। जसे जोग जगती जसे जोग जुगती अमर घर पुजाए। जो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। कहे ते उठोड़े बंधन सब जगत जा। कहे ते उठोड़े बंधन सब जगत जा। करे मुक्त दुख माओ करे मुक्त दुख खा सुखन में समाए। सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। राग जोग भजन 50 सचो शब्द सतगुरु शिषण के सुनाए। गुरुदेव कृपा करके जिज्ञासु को मंत्र दान देते हैं नाम दान देते हैं उसके द्वारा जल्द जीव माई ब्रह्म थो बनाए। इस जीव में से ब्रह्म तक पहुंचाते हैं सदगुरु। पशु ते मानुष कियो मानुष ते कियो देव। कहते हूँ गुरुदेव ते कीना अलख अभेव। अलख अभेव तक पहुंचाने वाले सदगुरु हैं और माध्यम है गुरु मंत्र। उस मंत्र के द्वारा जीव का कल्याण करते हैं। जिस प्रकार से माता अपने बालक की नित्य संभाल करती है रक्षा करती है उसी प्रकार से ज्ञान देकर के गुरुदेव जिज्ञासुओं को विषय भोगों से अलग करते हैं मन को पापों से बचाते हैं। दिए बोध दे विषय खां बचाए। कढ़े कुबद कलना विकारन खे कोरे। कुबुद्धि कुविचार उनका हरण करके सदविचार देकर विकारों से मन को अलग करके चमन ज्ञान गुण जो अंदर में लगाए।
हृदय के अंदर शुभ गुणों का निवास हो, दैवी गुण हृदय में निवास करें। गुरुदेव कृपा करके ऐसा जिज्ञासु को उपदेश देते हैं, भ्रम में भुले लखे सही राह लगाए। जो भ्रम संशयों में विचलित मन है उसको निश्चल बना के, संशयहीन बना के सही राह में लगाते हैं। दसे जोग जुगती अमर घर पुजाए, जो अमर देश है, यद गतवान निवर्तनते तद धाम परम मम, जिस घर में जाकर फिर वापस लौटना न पड़े उस अमर घर में युक्ति के द्वारा, योग के द्वारा गुरु महाराज जी जिज्ञासु को पहुंचाते हैं। कहे टेऊं टोड़े बंधन सब जगत जा, सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ के करे मुक्त दुख खा सुखन में समाए। जो अनंत दुख की से प्राप्ति होती है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही सबसे बड़ा दुख है। बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, उन सभी दुखों से सदगुरु छुटकारा दिलाते हैं और शाश्वत सुख की प्राप्ति करा देते हैं। तो गुरुदेव मंत्र के द्वारा, शब्द के द्वारा इस जिज्ञासु के मन को परमात्मा से जोड़ के परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी, भर लजह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ, अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत, भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश,
अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतर तम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश, पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।